नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल कविता फोर व्हीलर ट्रेनर में। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि सभी चालकों के लिए जानना ज़रूरी है, जो कि बहुत से ट्रेंड लोग भी गलतियां कर जाते हैं और अनट्रेंड लोग तो गलती करते ही हैं। तो आज हम आप सभी को बताएंगे कि कब आपको क्लच दबा के ब्रेक लगाना चाहिए और कब जो है केवल ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल करनी होती है, जो कि 80% लोग गलतियाँ ये करते हैं कि वो स्पीड में क्लच दबा के ब्रेक लगाते हैं और उनको ये पता नहीं है कि कितने स्पीड में उनको क्लच और ब्रेक यूज करना चाहिए और कब केवल ब्रेक को यूज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए हम जानते हैं कि उनको कब क्लच दबा के ब्रेक लगाना चाहिए और कब जो है केवल ब्रेक लगाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग देख रहे हैं ये एक्सीलेटर पैडल है, ये ब्रेक पैडल है, ये क्लच पैडल है। ठीक, तो क्लच पैडल का काम है कि ये जो है इंजन को बंद नहीं होने देता है। क्लच का काम यही इतना है कि ये इंजन को बंद नहीं होने देता है। अब हमें क्लच की ज़रूरत कहाँ कहाँ पे होती है, जैसे कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है क्लच को दबाना, क्योंकि अगर आप क्लच नहीं दबाएंगे, अगर आपकी गाड़ी जो पहले की गाड़ियाँ आती थी, अगर आप क्लच नहीं दबाते थे, चाबी को आगे घुमाते थे तो गाड़ी झटका देके आगे बढ़ जाती थी। अब की जो गाड़ियाँ हैं वो बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहला काम होता है क्लच, आपको गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको क्लच दबाना है। जब आप क्लच दबाएंगे तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद जब हम गियर को लगाते हैं या गियर को डाउन करते हैं तब आपको क्लच दबाना होता है, या फिर आप जो है जब ट्रैफिक में चल रहे हैं तब आपको क्लच और ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आपको क्लच की ज़रूरत तभी होती है जब आप गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपको गियर अप डाउन करना है तब हमें क्लच को दबाना होता है, या फिर हमें जब गाड़ी रोकनी है तब क्लच दबाना होता है। तो ये क्लच आप लोग समझ गए होंगे कि क्लच की हमें कहाँ कहाँ पर ज़रूरत होती है। और बाकी हम बात करते हैं ब्रेक की, तो जो है ये ब्रेक का काम है स्लो रोकने के लिए, जो कि नए चालक होते हैं वो अगर थर्ड गियर में गाड़ी है तो सबसे पहले क्लच दबाते हैं फिर ब्रेक दबाते हैं। तो आपको कभी भी गाड़ी कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले क्लच नहीं दबाना होता है, पहले ब्रेक दबाना होता है। अब हम आपको बताएंगे कितने स्पीड पे आपको पहले ब्रेक दबाना होता है। जैसे कि अगर स्पीड आपकी 25 है तो आप सबसे पहले ब्रेक लेंगे, गाड़ी स्लो हो जाएगी, फिर हमें क्लच दबाना होता है। अब नए चालक क्या करते हैं, अगर वो गाड़ी थर्ड गियर में चला रहे हैं तो वो सबसे पहले क्लच दबाते हैं फिर ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्पीड 30 है तो जब आप क्लच दबाते हैं तो थोड़ी सी स्पीड हमारी बढ़ जाती है, तो वो उसमें क्या होगा, ब्रेक का असर कम हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि अगर आपकी गाड़ी 25 से ऊपर है तो आप सबसे पहले ब्रेक लगाएंगे फिर क्लच दबाएंगे, और अगर थर्ड गियर में है गाड़ी, फोर्थ गियर में है या फिफ्थ गियर में आप गाड़ी को चला रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है ब्रेक से गाड़ी को कंट्रोल करेंगे, जब कंट्रोल हो जाएगी तब हमको क्लच दबाना है। तो दोस्तों बहुत से लोग ये भी गलतियां करते हैं, अगर वो फिफ्थ में चल रहे हैं तो उनको जब गाड़ी अगर फोर्थ में डालना है तो डायरेक्ट क्लच दबा देते हैं, तो आपको पहले क्लच नहीं दबाना है। पहले अगर आप फिफ्थ पे हैं तो आप सबसे पहले हल्का सा ब्रेक ले लें, गाड़ी आपकी 40 हो जाएगी, फिर आराम से क्लच दबाना है और गियर को डाउन कर देना है। तो बहुत से लोग यही गलतियाँ करते हैं कि अगर वो गियर को उनको डाउन भी करना है तो सबसे पहले क्लच को दबाते हैं, तो आप सबसे पहले क्लच मत दबाइए। अगर आपको स्पीड डाउन करना है, गियर को डाउन करना है, तो आपको सबसे पहले ब्रेक पे आना है, आप ब्रेक से गाड़ी को स्लो कर लें, उसके बाद क्लच दबा के फिर हमको गियर को डाउन करना होता है। तो इस तरीके से आप सभी को क्लच का यूज करना है दोस्तों, और ब्रेक की ज़रूरत हमें तभी है जब हम गाड़ी को स्लो और रोकने के लिए होता है। तो अगर आप स्पीड ज़्यादा रखे हैं तो आप उसमें क्लच का बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि क्लच दबाने से गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि क्लच से ना तो गाड़ी स्लो होती है और ना ही जो है आपको स्पीड में क्लच की दबाने की ज़रूरत है दोस्तों। तो ये आप लोग याद रखें, केवल क्लच का काम यही इतना है कि वो इंजन को बंद नहीं होने देता है बस, और ना ही क्लच से गाड़ी आपकी रुकती है और ना ही क्लच से गाड़ी स्लो होती है। ये आपकी गाड़ी स्लो तब होगी जब आप सेकंड गियर में है, वो भी हाफ क्लच से हल्का सा नीचे ले जाएंगे, तभी आपकी गाड़ी क्लच दबाने से स्लो होती है। अगर स्पीड में है तो
तो क्लच दबाने से और स्पीड आपकी गाड़ी की बढ़ जाएगी। तो ये आप सभी लोग ध्यान दें कि जब स्पीड हमारी ज़्यादा है तो हमें केवल ब्रेक से गाड़ी को कंट्रोल करना है, और जब स्पीड हमारी कम है, जैसे कि जब आप फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी को चलाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्लच दबाना होता है, फिर आपको ब्रेक दबाना होता है। जैसे जब आप ट्रैफिक में चल रहे हैं और आपकी गाड़ी जो है 20 से नीचे है, या वन गियर में चला रहे हैं, या गाड़ी सेकंड गियर में चला रहे हैं, तो उसमें कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले क्लच दबाना होता है, फिर ब्रेक दबाना होता है। और जब आपकी स्पीड थर्ड में है तो आपको पहले ब्रेक लगाना है, फिर क्लच दबाना है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर और जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आप लोगों को तक कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा अच्छा जानकारी पहुँचे और आप लोग सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।